हेलो दोस्तों, इंडिया गेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 16 अप्रैल 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड सेंटर प्रारंभ किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इन तीनों जगह पर प्रारंभ किए गए हैं। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप शासन के दिशा निर्देश के तहत रायपुर जिले में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज और उनके अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में जहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेज माना और लालपुर में कोविड हॉस्पिटल पूर्व में संचालित थे, वहीं अब इनमें फुड़हर के वर्किंग ह्यूमन हॉस्टल्स में बनाए गए कोविड सेंटर और धरसीवा तथा तिल्दा विकासखंड में बनाए गए कोविड केयर को भी शामिल कर लिया गया है। दोस्तों जिसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये कहाँ बनाया गया है, तो राजधानी रायपुर में बनाया गया है। अब राजधानी रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैप में ये रहा अपना रायपुर। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय रायपुर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर। 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र, उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र ट्राईपोर्ट, सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र, साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, भानपुरी में अप्रैल पार्क, रावभाटा में मेटल पार्क, तिल्दा राइस कॉम्प्लेक्स, पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ हैं, तो तिल्दा में स्थित है। अटल नगर नया रायपुर कुबेर माठा और राखी गाँव में जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थित है। IIT पार्क स्थित जंगल सफारी जो मड़वा ग्राम में स्थित है। परसदा वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर, ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स, ये सब कहाँ है, तो रायपुर जिले में स्थित है। पुरखौती मुक्तगंज, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास किया। चंद्रखुरी में कौशल्या माता, भारत का एकमात्र हटकेश्वर मंदिर रायपुर जो खारून नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लता उर्वशा को नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कलेक्टर श्री टोपेश वर्मा ने दिग्विजय स्टेडियम परिसर में स्थापित कंट्रोल रूम के सुचारू संचालन में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता उर्वशा, मोबाइल नंबर है इसका आप देख सकते हैं, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कंट्रोल रूम के संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, साथ ही प्रतिदिन यथाव्यवस्थित से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं और ये कहाँ पर हो रहा है, तो दिग्विजय स्टेडियम के परिसर में हो रहा है। ये कहाँ है, तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। अब राजनांदगांव की बात आई है तो राजनांदगांव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैप में ये रहा अपना राजनांदगांव। राजनांदगांव की स्थापना 1973। राजनांदगांव किस नदी के किनारे बसा है, तो राजनांदगांव शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। प्रदेश में सबसे बहने वाली लंबी नदी है, 290 किलोमीटर बहती है। मुख्यालय राजनांदगांव, मातृत्व जिला दुर्ग, दुर्ग से पृथक करके राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया है। मुख्य खनिज लौह अयस्क, बोरिया बिट्टू, न्यूरेलियम भंडारी टोला, फ्लोराइड चांदी डोंगरी, खरझेटी प्लास्टिक पार्क, डेढ़सेड़ा फूड पार्क, इनवानी फूड प्रोसेसिंग पार्क, ये सब कहाँ है, तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। 27 नवंबर 1988 राजनांदगांव से नागपुर प्रदेश का प्रथम ब्रॉडगेज रेल प्रारंभ किया गया।
1892 बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना। प्रथम किसान मॉल की स्थापना। इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ 1956 एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय तथा प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय। इसके द्वारा प्रारंभ किया गया स्थापना तो वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा करवाया गया है। जो खैरागढ़ में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है संगीत, उसको वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा करवाया गया है। डोंगरगढ़ प्राचीन नाम कामतावरी पुरी बमलेश्वरी माँ मंदिर निर्माण राजा वीरसेन के द्वारा करवाया गया है। प्रग्री की पहाड़ी मैकलसेड़ी चितवा डोंगरी नवपाषाणकालीन स्थल की गुफा ये सब कहाँ हैं तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रेलमार्ग से आने जाने यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी है किस जिले में लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जांजगीर चांपा में किया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार अन्य जिलों से रेल मार्ग से जांजगीर चांपा जिले में रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट की अनिवार्यता संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। जांजगीर चांपा जिले के रेलवे स्टेशन अकलतरा जांजगीर नैला चांपा नया बाराद्वार एवं शक्ति से बाहर आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट जांच अनिवार्य किया गया है। इसके लिए डिप्टी कलेक्टर श्री सुमित गर्ग को भी जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों अब जांजगीर चांपा की बात आई है तो जांजगीर चांपा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों जांजगीर चांपा की स्थापना 1998 मुख्यालय जांजगीर का प्राचीन नाम जलालयदेव प्रथम मातृत्व जिला बिलासपुर से पृथक करके जांजगीर चांपा जिले का निर्माण किया गया है। चांपा किस नदी के किनारे बसा है? तो चांपा हसदो नदी के किनारे बसा है। हसदो नदी का उद्गम कोरिया जिला से हुआ है। रामगढ़ कैमूर पहाड़ी प्रदेश की सबसे ऊंची मिनी माता बांगोबांग। जांजगीर चांपा सर्वाधिक तहसील वाला जिला है। जांजगीर चांपा केवल तहसील है विकासखंड नहीं। कोटमी सोनार कोकोडाइल पार्क स्थित है कोटगढ़ छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों में से सबसे छोटा रियासत तो शक्ति रियासत है। खैरागढ़ रामकालीन स्थल खरदूसड़ की वध की घटना प्राचीन नाम इंद्रपुरी छत्तीसगढ़ के काशी वाराणसी के नाम से जाना जाता है। सूर्य नारायण रामकालीन स्थल विशाल वट वृक्ष नर नारायण मंदिर केशव नारायण मंदिर जगन्नाथ मंदिर मांग पूर्णिमा में मेला लगता है तो सूर्य नारायण में लगता है। श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय सबरी के जूठे बेर खाए थे तो सूर्य नारायण में खाए थे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार कलिकाल। मुकुरधर पांडे छायावादी काव्यधारा के जनक कुर्ति के प्रति। बंसीधर पांडे छत्तीसगढ़ प्रथम उपन्यासकार हीरू के कहनी का जन्म स्थल दमाऊधारा। महाभारत कालीन स्थूल सातवाहन कालिक शासक कुमार गुप्त वरदश्री शिलालेख जैन धर्म का यहाँ से प्रारंभ और प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दाहला पहाड़ अकलतरा नांग पंचमी में मेले पीथमपुर में प्राचीन शिव मंदिर कलेश्वर महादेव हसदो नदी के तट पर स्थित है। चंद्रपुर में महानदी मान नदी और लात नदी का तीनों का संगम है वहीं पर है माँ चंद्रहासिनी देवी जो जांजगीर जिले में है। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महामाया देवी की प्रतिमा प्राप्त की गई है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रायपुर जिले से। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब के चंद कदमों की दूरी पर पुरानी बस्ती में महामाया देवी की मंदिर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। ऐसा मान्यता है कि हैवंशी राजा मोरध्वज को माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि वे खारून नदी की प्रतिमा निकालकर
अपने सिर पर रख कर चले और जहाँ रख देंगे वहीं प्रतिमा को प्रतिष्ठापित कराएगा। इसके पश्चात राजा खारून नदी तट पर पहुँचे, जहाँ नदी में तैरती हुई प्रतिमा को निकाल कर जो सर्पों से लिपटी हुई, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, हैवंसी राजा के जो महामाया मंदिर है, ठीक है दोस्तों, उसको नदी से निकाल कर माता ने राजा को स्वप्न देकर कहा था, इसलिए वहाँ जाकर उसको निकालें। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियागढ़।